हाँ टाकिया पीने थे उन भी गिवर कौली भी खानी दूधा गिलास भी पीना तो किसी भी जनाना रा ना ऑपरेशन हुंदा था हाँ जी है भैया जे बिल गए बड़ा ऑपरेशन हुआ था काटे बच्चे इस टाइम पैसा नहीं मिलता था पर भी ऐसा था कि लोगों में प्यार प्रेम ज्यादा था। हेलो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पालवाड़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आज मैं हिमाचल का एक और खूबसूरत गांव एक्सप्लोर करूंगा। मैं बात कर रहा हूं गांव बड़ौन की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और इस गांव को एक्सप्लोर कराएंगे मेरे साथ अंकल जी श्री ज्ञानचंद जी। इन्होंने मेरे को पहले गांव चौकी ठाणा बनौनी उस गांव को एक्सप्लोर भी कराया था और आज अपने गांव को एक्सप्लोर कराएंगे। मेरे साथ भाई जी हैं, इनका नाम है श्री रविंदर ठाकुर जी, और अंकल जी और भाई जी मेरे को गांव एक्सप्लोर कराएंगे। दोस्तों तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है गांव बड़ौन, मुरारी पहाड़ी की बिल्कुल गोद में बसा हुआ ये गांव है। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कितना सुंदर गांव है, और कम से कम यहां 70 परिवार हैं। यहां से आप मुरारी माता मंदिर के लिए भी पैदल जा सकते हैं, और सामने का भी कुछ ऐसा है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है गांव बड़ौन का प्राइमरी स्कूल। फर्स्ट अगर आपको मिलेगा दोस्तों वो यहां से स्टार्ट होता है, गांव जहां से आप स्कूल देख रहे हैं यहीं से ही रास्ता जाता है गांव के लिए, और गांव का अंतिम घर यहां ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों। देखो जी हमारा गांव बड़ौन जो है, हाँ जी, इसमें लगभग 70 परिवार हैं। अच्छा, और जनसंख्या जो है यहां 300 के लगभग है। अच्छा, छोटे बड़े। अच्छा, और यहाँ के लोग जो है माँ मरियारी देवी के गोद में बसे हुए हैं। यहाँ से त्रिफाल घाट से गांव बड़ौन जो है 4 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ से सुंदर नगर के लिए रोड जाता है। अच्छा, लगभग यहाँ से उसकी लंबाई जो है 3 किलोमीटर पे। अच्छा, सुंदर नगर पड़ता है। अच्छा, और लगभग, अच्छा, इसी रोड पे जो हमारे गाँव से आगे के लिए जाता है ठाणा चौकी होकर खलियाना होकर लेदा के लिए, तो रिवर्सर की लंबाई जो है यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर के लगभग जो हमारा रिवर्सर पड़ता है। गांव के लोग जो हैं ज्यादातर जो है मतलब खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, और यहाँ कुछ लोग जो हैं फौज में भी सर्विस करते हैं, कुछ एक जो है गांव से मास्टर भी लगे हुए हैं स्कूल में। अच्छा, तो मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर निर्भर जो है लोग खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं। खेतीबाड़ी में तो मतलब कणक का या मुख्य। अच्छा, और अनाज का ही मुख्य पैदावार करना हमारा। अच्छा, कर्तव्य है। बाकी सब्जियां वगैरह, दाल सब्जी जो भी कुछ भी है वो अपना परिवार के। अच्छा, मुताबिक जो है उसके परिवार के मुताबिक जो है उगाते हैं लोग। ठीक है, और होती भी है। अच्छा, नहीं, नहीं, थोड़ा है, पुराना जो है उसी में पुरानी पुराने उसी में है। अच्छा, हमारे गांव में नई संस्कृति कोई नहीं अपनाई है। अच्छा, और भाईचारा कैसा गांव? भाईचारा हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा, हमारे यहाँ से जो है 4 किलोमीटर जाना पड़ता है प्लस टू करने के लिए त्रिफाल घाट में, और कॉलेज हमारे यहाँ बुलद्वाड़ा में बना भी। अच्छा, और क्या है, और हमारे जो है मतलब यहाँ खेतीबाड़ी जो है, हाँ जी, बैल के ही सारे चलती है। अच्छा, क्योंकि ट्रैक्टर का जो है हमारे यहाँ चाल चलन जो है मतलब नहीं चलता जी। तो लगभग हमारे जो है 90% कार्य जो है मतलब बैल द्वारा ही खेती का किया जाता है। ठीक है अंकल, ठीक है अंकल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे से आप व्यू देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ये है त्रिफाल घाट, अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, और यहीं से सड़क आती है ऊपर बड़ौन के लिए, और यहाँ से बड़ौन की दूरी महज 4 किलोमीटर के करीब करीब है, और आप सड़क देख लीजिए, ये सड़क आपको ले जाती है माँ मुरारी मंदिर के लिए, और आगे आप लेदा चौकी ठाणा के लिए यहाँ से जा सकते हैं, और यहीं से ही जो रोड कटता है ये आता है गांव के लिए, आप सामने देख सकते हैं, और ये रहा यहाँ का प्राइमरी स्कूल। तो आ गया ना मकानों के बारे में आ गया पहले तो। अच्छा, हाँ जी, पहले तो स्लेट पोस्ट दूसरे मोटे चक्के वाले। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, अब जो है दूसरे चल पड़े। अच्छा, कोई स्लैब डाल रहे हैं, कोई टीन डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद जो है ना चेंजिंग आई, भाई हम जाते हैं पढ़ने स्कूल तलेली। अच्छा, हाँ जी, 5 किलोमीटर जाना था, 5 आना। अच्छा, हाँ जी, पैदल। अच्छा, और उसके बाद तो अब प्राइमरी स्कूल यहाँ आ गया है, कने बाकी त्रिफाल घाट है, वहाँ बस में जाते हैं, बच्चे बसों में आते हैं। अच्छा, है, डेली 3-4 बसें आती जाती है। अच्छा, पानी
पानी गर्म घर में पहुंच गया है, नलके लग गए, बाकी अब डैर से पानी आ गया, अच्छा। पदन से पानी आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया जी। अमरारी धारी जी, इसमें पहले बर्फ पड़ती थी। अच्छा, अब प्रदूषण या कुछ की वजह से जो बर्फ गिरना बंद हो गई, बंद हो गई, तक पड़ती थी ब्राउन तक, नीचे तक जाती थी मंजी खतर तक। अच्छा, अब तो बिल्कुल नहीं। ठीक है अंकल, तुम्हारी गल करने अच्छा लगा, धन्यवाद जी। और ये जो मकान आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये अंकल श्री ज्ञान चंद जी का है, जो मेरे साथ गांव एक्सप्लोर करा रहे हैं। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, गांव बढ़ाने की सबसे खास बात मेरे को ये लगी दोस्तों कि यहाँ कई मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल पुराने तौर तरीके से हैं, और इनमें सिर्फ मिट्टी की लिपाई पुताई ही करते होंगे और उन्हीं में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो आइए आपको अंकल जी के घर का अंदर का टूर कराते हैं, विजिट कराते हैं दोस्तों। और अंदर से आप देख लीजिए कि कुछ ऐसा है, पुराने ट्रेडिशनल हमारे हिमाचल के जो मकान है वो उसी तौर तरीके का है, इन्होंने इसमें कुछ फेरबदल नहीं की है। और अभी भी अंकल जी चुन्ने रही कराए, चुन्ने से। अच्छा, गोड़ू से। गोड़ू से ये सामने देखते हैं, नीचे फर्श जो है गोबर से, गोबर से जी। ये सामने देखते हैं चुन्ना है, किसी कोई भी पेंट आर्टिफिशियल का कुछ यूज नहीं है, और नीचे गोड़ू है आप सामने देख सकते हैं, और नीचे पूरे लिपाई पुताई करते हैं गोबर से। अच्छा, बैल के गोबर से पूरे लिपाई पुताई करते हैं, गो का गोबर लगी हुई। और इस चीज को करने के लिए दोस्तों काफी सारी मेहनत लगती है लिपाई पुताई करने के लिए, और उसी का ही कारण है कि लोगों ने इस मेहनत को छोड़ के पक्के मकान बना दिए हैं, उनमें एक बार पेंट करो तो साल भर के लिए ठीक रहते हैं जी। और ऊपर किस चीज लकड़ी पाई अंकल जी? चील की। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना साल पुराना अंकल जी मकान, ये तो 40-45 साल पुराना, 40-45 साल पुराना देख सकते हैं दोस्तों, 40-45 साल पुराना मकान। और इसकी छत देख सकते हैं बिल्कुल मजबूत है, कोई मतलब किसी तरह का कोई रट्टा नहीं, कुछ नहीं है ना जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और ऐसे ही हमारे पुराने बुजुर्ग थे, इनमें ही गुजर बसर करते थे दोस्तों। और अगर आप करोड़ों का मकान बना लो दोस्तों, पर जो इन घरों में रहने वाला फील है ना, वो आप कभी नहीं ले सकते, उन इन घरों में रह के ही आपको पता लग गया, क्योंकि ये गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं ये मकान, और इन घरों में रहने का अलग ही फीलिंग है। तो मेरे साथ हैं गांव बड़ौन के अंकल लोग, और यहाँ ये समत पिड़ाई का काम कर रहे हैं, शादी या किसी फंक्शन में जिस लकड़ी का प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए उसको समत बोलते हैं। और ये हिमाचल में सारे भाईचारा से ये लकड़ी की कटाई होती है, और उसका सहयोग देने ये अंकल लोग आए हैं गांव बड़ौन के। भाई जी आपको ऊपर दिख रहे होंगे, आप सामने देख सकते हैं, ये स्टैम लकड़ी जो समत कटाई का काम कर रहे हैं, और इनसे एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे पुराना कल्चर जो हिमाचल का लुप्त होता जा रहा है, और उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इनके गांव में पहले होता था, अब वो चीजें बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं। पेशे से एक अध्यापक हूँ। ठीक है जी। और आज हम यहाँ समद पढ़ाई के काम में आए हैं। अच्छा। और ये हमारा कल्चर है। ठीक है जी। और एक समाज सेवा है। अच्छा। हम सभी लोग मिलजुल करके इस काम को करते हैं, ये हुआ करती थी। तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो जब बड़ा पेड़ काटते थे, जिसको हम अपनी भाषा में चूड़ी बोलते हैं, अगर उसका बहुत बड़ा मोटा तना होता था तो उसको बिल्कुल सहज के रखते थे, और फिर हाथों से उसका एक कुनाड़ा
जो आज पुरात जिसमें हम आटा गूंथते हैं, अच्छा। आज तो ये मेटल धातु की हो गई है, लेकिन उस वक्त अच्छा। ये कल्चर था कि जो मोटे तने वाला जो चूड़ी होता था अच्छा। उसके जो निचला पोर्शन निचला पार्ट होता था उसको निकाल करके वो चीज बनाई जाती थी अच्छा। और साथ में जो हमारे कड़छी जो आज धातु की हो चुकी है, मेटल की बना रहे हैं लोग, जब ऐसे मतलब पहली क्लास पढ़ा थे ऐसे एक पैसा फीस हुई थी अच्छा। त्रीजी अंदर आए तो 3 पैसे फीस हुईगी अच्छा। पांचवी में हो गए तो 5 पैसे फीस हुईगी हमारी अच्छा। तो उससे फीस 1 पैसा 2 पैसे जुटाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था अच्छा। असरे बुजुर्ग जो और कमीज पजामे ने ऐसे स्कूल जाए थे अच्छा। बैग हुए थे हाँ। असर ऐसे जो घर सियाणिया हुई थी असरी मावा हुई थी हाँ। बड़े मुश्किल लगते थे ऐसा जो बैग हाथ ने सी ने मतलब बड़े बड़े टांके लगाए ने जो बैग मुहैया कराए। फिर असर ऐसे जो बड़े भाई हुए थे अच्छा। हमारे असर गाँव रहे जो बड़े भाई हुए थे अच्छा। सीधी ना छोटे जो हाथा थे पकड़ी ने ले जाए थे और तीन हरी खूब कनौ करा प्यार प्रेम भी मतलब प्यार प्रेम भी अच्छा हुआ था। आज ऐसे देखे कराए भी बच्चे जो छाड़ने थे नरी मम्मिया तीन पापा या तीन पर ज्यादा खर्च करे रहे हैं। इस टाइम पैसा नहीं मिलता था पर भी ऐसा था कि लोगों में प्यार प्रेम ज्यादा था। उन जी यहाँ से आज समझ पड़ा ये जो आये तो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है से इधी चीजा से वाकिफ नहीं है क्या मतलब ये एक खत्म होने के कगार पर है ना। असर कल्चर सिजे से एक पेड़ के समान है मतलब एक डाला सा ही है एक बड़े बड़े बरगदारे पेड़ा सा ही है जैसे ठीक रहेंगे संस्कृत रहेंगे और ऐसे अपने जो कल्चर जो संभाली ने रखेंगे तो एक एग्जांपल है कि उस पेड़ की तरह हमारी जो संस्कृति है जो आज बेआबरू हो रही है लोग हम बाहर के कल्चर अपना रहे हैं इसको छोड़ करके अगर हम अपनी संस्कृति को सहजने के लिए उस पेड़ की तरह हमें मजबूती से काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। करना चाहिए तो यही ठीक है। धन्यवाद अंकल जी ना। ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर एक घर से जब भी समुद्र पटाई के लिए लकड़ी कटाई के लिए लोग आते हैं तो अपने अपनी कुल्हाड़ी लेके आते हैं और मिलजुल के इस कार्य को शो करते हैं। हम तो यही बोल रहे हैं जी इस विषय के बारे में जो हमारा पुराना कल्चर था ना जी। हाँ जी, जैसे हमने लोहड़ी के टाइम में जो थे हम लोहड़ी गाने जाते थे। हाँ जी, तो हमारे जैसे एक गांव दो गांव थे। हाँ जी, तो जितने भी घर थे उनमें हमने जाना लोहड़ी गाने के लिए जाना और लोहड़ी गा के जो था मतलब पहले दिन छड़िया देनी अच्छा, फिर लास्ट दिन दिहाड़े जो गिठा होना था दिहाड़े चौल देने अच्छा। तो मतलब उसी से हम जो है मतलब पूरे गांव में मतलब इकट्ठा होकर जो है सारे सांझा जो है मतलब गिठा लगाकर जो थे खिचड़ी बनाकर जो थे मीठा भात बनाकर जो थे सब मिलजुल के खाते थे और अपने 2 मिनट या मतलब 2-4 घंटे जो है मनोरंजन करते थे। बच्चों को आगे जो हमारे बच्चे हैं जर्नलिस्ट हैं इनको भी हम इस बारे में बताते हैं बोलते हैं कि बेटा ऐसी संस्कृति जो है इसको अपना के रखो और इसी में उत्थान है इसी में एकता है इसी में समाज है इसी में भाईचारा है। ठीक हो रहा, अगर हम इस चीज से बाहर जाएंगे तो हम मतलब एक दूसरे के प्रति हमारी दिल में भावनाएं जो है खत्म होती जा रही है। तो बहुत अच्छी बात बोली अंकल जी और तुहां सभी ने गल करने अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद तुहां सभी ने जी। ठीक है, धन्यवाद। गांव बड़ौन से कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों, यहाँ ऊपर माँ मुरारी धार है और माँ मुरारी मंदिर यहाँ इस पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है जिसको मैं पहले एक्सप्लोर कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और सामने कुछ आपको छोटे मोटे गांव दिखेंगे तो ये अंकल जी से जान लेते हैं। ये हमारे जो सामने वाला गाँव है हाँ जी, इसका नाम ऊपर जो गाँव है इसका नाम है खान अच्छे, और इसकी बगल में जो नीचे पड़ते हैं मकान इसका नाम है चेड़ू अच्छे, और इसके आगे जो पड़ेंगे गाँव ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसका नाम है कनौन अच्छे, और इसके चेड़ू के साथ जो है हमारी बाउंड्री लगती है अच्छे, ये हमारा इधर ओरली साइड को जो है सरका घाट अच्छे, और परली साइड को जो है हमारा सुंदरनगर पड़ता है अच्छा। जो आप घर देख रहे हैं वो सुंदरनगर में पड़ते हैं मतलब ना में पड़ते हैं, और इधर वाले हैं सरका घाट अच्छा। और यहाँ सामने भी आपको कुछ परिवार दिख रहे होंगे दोस्तों, और यहाँ से त्रिफाल घाट के लिए जब आते हैं तो आपको कैंची मोड़ के पास ही कुछ मकान मिलेंगे ऊपर नीचे, और जिनको अभी मैं दिखा रहा हूँ ये लोअर बड़ौन में आते हैं ये मकान, यहीं से रास्ता जाता है अपर बड़ौन के लिए। तो मेरे सामने हैं गांव बड़ौन के बुजुर्ग दादी लोग और आइए इनसे बात करते हैं। दादी नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते, चिंता। श्रीमती चिंता देवी नाम है तुम्हारा? श्रीमती जीवनी देवी। ठीक है जी, अब तुम सुनाओ क्या दादी? श्रीमती कुशल देवी। अब कितनी है इतने टापरू थे अच्छा, अब अंदर खाने नहीं था क्या नहीं था अच्छा, मुंडल मुंडल बाए थे अच्छा,
किना खाने कुटने है खुआड़े बनाने के लिपने फिर तीन जाओ छलिया छुलिया उनिया से वो कुटनिया अच्छा एड़ा थोड़ी था तो चक्की चुकी पीने आटे चक्की हाँ चक्किया पीने थे ते मंडलों में था चावल उन्हें नहीं थे अच्छा बस छलिया छुलिया हुई थी अच्छा तो उन्हें कणक कुणक हुई जाई थी अच्छा इन्हें जाना ये तीन इनिया रोटियां था दुदुआरी खानिया अच्छा द्वारी से माल पालना ती थे बी धंधा द्वार पट देने बी पूजना बढ़ा अपू जर जोर दाल रिंदना है मैसी पाल लिया था तू ये बस अट्टा है मरी उड्डा अच्छा कने ताए थोड़ी सट्टा थे ताए एक तोड़ा नहीं अच्छा तब ना ये छाई रगलास घटी गया ये इतने टबरो नहीं पुगना आया अच्छा है अच्छा ये डिग्री भी ही बहन ने ब्याह 18 साल लिया अच्छा अंजाम थे निकिया निकिया अच्छा खरा लगे फिर महीना 10 रोज रही फिर भी चली जाना प्योके जो अच्छा फिर भी आना फिर धान नी एड़ा क्या करते भाई एड़ा नी कमाया एड़ा नी कमाया धान बच्चा सा आई जाना थी सस्ता भाई बच्चा इया काम करना 8 साल रे बच्चे क्या पता लगा अजकल पहलिया दूजिया पढ़ा है माँ बाबा जो है हथ भाई धान भी एड़ा ही समाया था जेबे भाई लड़किया की कमी थी धान अच्छा फिर इतना सोचा थे भाई जी यहाँ चाचा हुआ किसरा की भाई हुआ नौजवान अच्छा तो लड़कियां यहाँ किसरे तीन चार ता सोचा थे भाई सादे हैं बट्टे वो इस भाई ये रह जाना किस अच्छा है ना अच्छा। सुहाड़िया बनाई देनी बसाए ग्रुप कई देने अच्छा मंडल बहाना मंडल लियाना कुटना फिर दिन रोटियां पकड़िया अंकलू भी बनाई देने अच्छा मैसी भी चार पांच पांच हुई थी गाय भी अच्छा जंगला भी चार नहीं घर भी लिया होना गा जाए अच्छा ये जे डायरिया रे दूध खाने हैं हाँ जी और चली रे पुलाव गोभिया सब्जियां दवाई दिया फिर छत्ती बीमारी है या असे बैठ बैठ साल रे क्या सियाली की तो साल रही एक वक्त सुई लुआई थी की दो गोलियां दवाई खाई जा नहीं खाती थी अच्छा है ना अच्छा कने इतनिया साल अंदर एड़ा ही कमाया अच्छा माल पालिया हूं भी पाली रहा अच्छा हूं भी गिवर कौली भी खानी दूधा गिलास भी पीना अच्छा कौली खा लेंगी वरे खाई ले हैं जी अच्छा कोई चक्कर में रोटिया ओली ने खाई लेनी ऐसा कोई चक्कर नहीं आऊ आज... चावल बनाने नछाने पीछा रे दो थालू पीने झोला रे दो थालू पीने अच्छा मंडला रोटी खानी अच्छा है ऐसा कोई बीमारी नहीं कांगनिया रा भात खाना कांगनी कुटनी बहानी मरियारिया कांगनी बहानी तीसरा भात खाना अच्छा कोई पथरी नहीं कोई पैंडस नहीं डायरिया दूध लियाना ना निछो बीमारी से डायरिया घी लिया निछो बीमारी से मैसी पालने को राजी नहीं मैस पालो मैसी का घी खाओ दूध खाओ कोई बीमारी नेड़े नहीं आनी जोर पियो इना पलावा पलूवा ते नहीं आउन दी आए पूरी ठीक होना है ना ठीक होना नौजवान दबुए थी ना जे लाई रे पेट फाड़ने पथरिया ने क्या लेना है आसन क्या लेना है पैंट सन क्या लेना है असे कोई चीज एड़ी नी आई दी नेड़े आज बोलना चाहे असे ना पहलकी जनाना थी ना तीनों को ना डॉक्टर आले नेंदे थे ना तीनों रेस्ट देंदे थे है ना जोरा रा काम करा थी ब्यागा दूधा ग्लास पीना जोला थालू खाई लेना घ्यू खाई लेना है कोई तीन उट पटांग कुछ नी देंदे भी थी दुकाना ते केले लिया फल फ्रूट दसिया डॉक्टर ये दसिया वो दसिया कुछ नी देंदे थे और किसी भी जनाना रा ना ऑपरेशन हुंदा था है भाई अड़े जे बिलगे ने बड़ा ऑपरेशन हुआ था काटे बच्चे है कोई नी एक सुई नहीं लांदे दवाई नहीं देंदे थे कोई रेस्ट नहीं करते थे तो वहां दिख जे जनाना बाल थी नहीं बैठी तो वहां तक कोई अड़ा एक दवाई की गोली भी नहीं खवाती बहुत अच्छी गल बोली उस वक्त 50 साल से तो बहुत काफी परिवर्तन हुआ अच्छा गांव अंदर बड़ा भारी परिवर्तन हुआ अच्छा पहले का लोग काम नहीं होते थे आजकल ऐसे बैठते थे चौपाल में अपने अच्छा। बैठते थे बातें करते थे धूप सेकते थे अच्छा अब जो है समय किसी को नहीं है अब भाग रहे हैं अच्छा। इधर काम है उधर काम है उधर काम है उधर अच्छा। सब अच्छा अपुच नठीरे लोग रात दिन आजाद जो देश हुआ ना हाँ जी उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पहले कमाने जो कोई जगह नहीं होती थी अच्छा या लाहौर जाए थे पशावर जाए थे कराची जाए थे अच्छा आना दुआने दिहाड़ी मिला थी अच्छा ये बस 200 रुपये दिहाड़ी भी दे रहे सरकार अच्छा। ये नीचे जो है यहाँ तक
बर्फ हुई थी। अच्छा ठीक। अभी 90 में भी का मतलब फुट बर्फ पड़ गई थी। अब गर्माइश पता नहीं गर्माइश ज्यादा हो गया, आबादी भी बड़ी है। अच्छा उस टाइम था असारे टाइम में जो था घर 4-7 घर थे असारे गाँव। अच्छा टबर बनेंगे 80-90। ठीक है जी। फिर आटा अस सिर खाटे ते भी आंदी रहा। अच्छा फिर इतनी घराटा तो जाना ही पा था, 12 महीने जाना पा था। अच्छा खड्डा घराटा जो जो हमारे ओरले परले नाले है ना। अच्छा इन्हें च पानी हुआ था। अच्छा अब तो पानी पाइपा च बंद हुई ने चली गया। अस तो बोला जी अब जितना आपू च व्यवहार जो है मिला जुला जो होना चाहिए बहुत जरूरी है। अक्सर है ना प्रेम, ये प्रेम को निभाना कठिन आजकल। अच्छा जो जनरेशन है इसके अंदर उतना सहनशीलता धीरज नहीं है वो जरूरी है। तो अभी हम जा रहे हैं अपर ब्राउन के लिए दोस्तों, और लोअर ब्राउन हमने एक्सप्लोर करा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुछ पुराने मकान जो आपको दिख रहे हैं ये लोअर ब्राउन के हैं, जिनको हम गोड बोलते हैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में। और वो रहा सामने अपर ब्राउन। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जिसपे अंकल चल रहे हैं, यहाँ से हम माँ मुरारी मंदिर के लिए भी जा सकते हैं, और तकरीबन आपको 1.5 किलोमीटर के करीब करीब यहाँ से पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। हम अपर ब्राउन में पहुंच चुके हैं दोस्त। फर्स्ट एंट्रेंस पे ऐसे कुछ मकान मिलेंगे, कुछ कच्चे मकान हैं, बट इनकी पशुशाला, ये पशुशाला ही बोल सकते हैं, पशुशाला ही है, और स्लेट वाले मकान आपको मिलेंगे, कुछ पक्के मकान हैं। रजत ठाकुर इसका नाम है। आपका क्या नाम है? मन्ना ठाकुर। इसका नाम है मन्ना ठाकुर। बेटी है? मन्ना ठाकुर बेटी है ना। हाँ जी। अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जागृति पब्लिक स्कूल त्रिफाल। स्कूल क्यों नहीं गए? और संडे है। संडे आज त्रिफाल घाट में पढ़ते हो? आप कहाँ पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। पाती खाई क्या? ठीक है बाय बोल। बाय बाय बाय। मरगा लेडी वे पंडा थे पानी ले थे। अच्छा गड़े में बाल्टिया ने बस चाकिया पिए थे। बस एडी आधी रही रही। अच्छा बस एडे आटा वो नहीं लजदा था, तब गोड़ियम तोलिया भी चली आया आटे थे, भाई चमड़े जोड़े हुए थे पत्राने पर चली आना इना डिगा जो पुलिया जो गा जो। अच्छा है? अच्छा बस हूं मुले खरीद रहा वो खा रहा गा वाल एक एक मैस रखी रही बस वो नंद। अच्छा गरीब भी हम जेड़ा करते थे भाई नाजन लजता था। अच्छा फिर ये दो दो वक्त तो मारे बुजुर्ग जैसे तब गोड़िया मतोली रे अंडे तीन जो कुछ न लज फिर घर आई जाना। फिर ये कद्दू पेठू चिरने फिर तीन जो चावल पाने फिर दूधर टेपा लिया तेने खाई ली। अच्छा ये मकान मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये अंकल श्री लेखराम जी का है, और जिनसे हमने पहले बात करी। ये घर बेसिक मॉडर्न है, बट इसके अलावा इन्होंने पुरानी चीजों का भी महत्व दिया है। जैसे अंकल जी मुझे बता रहे हैं कि बांस की पूरी लकड़ी इन्होंने यहाँ लगाई हुई है, छाई हुई है, और
आप देख सकते हैं डेकोरेशन पर्पज के लिए भी अच्छा लग रहा है, और एक पुरानी जो हमारा घरों में यूज होता था बांस और इसी तरह के कुछ यूज करते थे वो भी इन्होंने लगाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन लग रही है इस मकान की। लो मेरा दबसर कुलियाड़ी सरे आई ओ बजारे आई यानी बैठने दिया बेलो मेरा दबसर कुलियाड़िया बेजी उठी ते तारा बेजी ओ बेटा पहलिया तेरी कौ नदी तेरी आईया बजने लगया हो चावे चावे आने लगया या मानो गलिया दे चावे चावे चलने लगला ओ मामा बन देना उड़ा संजोया पटरा डराओ मामा बन देना उड़ा संजोया। दोस्तों अब लेते हैं आपसे अलविदा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंकल श्री ज्ञानचंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया और पूरे गांव को मेरे को एक्सप्लोर कराया, अपर ब्राउन और लोअर ब्राउन। और अगर भी आप भी चाहते हैं मैं आपके गाँव को एक्सप्लोर करूं तो आप जरूर मेरी इस यात्रा का हिस्सा बने, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अंकल जी जैसे मेरे को पूरा गाँव अपना एक्सप्लोर कराया, आप भी मेरे को गाँव एक्सप्लोर करा सकते हैं, मैं आपके गाँव में भी जरूर आऊंगा। अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। जय हिंद जय हिमाचल। जय हिंद जय हिमाचल। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।